एक नगर में एक पेड़ पर एक तीतर का घोंसला था। वो बहुत मजे से वहां रहता था। एक दिन वह अपना भोजन व दाना पानी ढूंढने के चक्कर में दूसरी जगह किसी अच्छी फसल वाले खेत में पहुंच गया। वहां उसके खाने पीने की मौज हो गई। उस खुशी में वो उस दिन घर लौटना भी भूल गया और उसके बाद तो वो मजे से वहीं रहने लगा। उसकी जिंदगी बहुत अच्छी कटने लगी। यहां उसका घोंसला खाली था तो एक शाम को एक खरगोश उस पेड़ के पास आया। पेड़ ज्यादा ऊंचा नहीं था। खरगोश ने उस घोंसले में झांक कर देखा तो पता चला कि यह घोंसला खाली पड़ा है। खरगोश को वो बेहद पसंद आया और वो आराम से वहीं रहने लगा, क्योंकि वो घोंसला काफी बड़ा और आरामदायक था। कुछ दिनों बाद वो तीतर भी नए गांव में खा खा कर मोटा हो चुका था। अब उसे अपने घोंसले की याद सताने लगी तो उसने फैसला किया कि वो वापस लौट आएगा। आकर उसने देखा कि घोंसले में तो खरगोश आराम से बैठा हुआ है। उसने गुस्से से कहा, चोर कहीं के? मैं नहीं था तो मेरे घर में घुस गए। निकलो मेरे घर से। खरगोश शांति से जवाब देने लगा, यह तुम्हारा घर कैसे हुआ? यह तो मेरा घर है। तुम इसे छोड़कर चले गए थे और कुआं, तालाब या पेड़ एक बार छोड़कर कोई जाता है तो अपना हक भी गंवा देता है। अब यह घर मेरा है, मैंने इसे संवारा और आबाद किया। यह बात सुनकर तीतर कहने लगा, हमें बहस करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। चलो किसी ज्ञानी पंडित के पास चलते हैं, वह जिसके हक में फैसला सुनाएगा उसे घर मिल जाएगा। उस पेड़ के पास से एक नदी बहती थी। वहां एक बड़ी सी बिल्ली बैठी थी। वह कुछ धर्म पाठ करती नजर आ रही थी। वैसे तो बिल्ली इन दोनों की जन्मजात शत्रु है, लेकिन वहां और कोई भी नहीं था, इसलिए उन दोनों ने उसके पास जाना और उससे न्याय लेना ही उचित समझा। सावधानी बरतते हुए बिल्ली के पास जाकर उन्होंने अपनी समस्या बताई। हमने अपनी उलझन बता दी, अब आप ही इसका हल निकालो। जो भी सही होगा उसे वह घोंसला मिल जाएगा और जो झूठा होगा उसे आप खा लेना। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? हिंसा जैसा पाप नहीं है कोई इस दुनिया में। दूसरों को मारने वाला खुद नरक में जाता है। मैं तुम्हें न्याय देने में तो मदद करूंगी, लेकिन झूठे को खाने की बात है तो वह मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं एक बात तुम लोगों को कानों में कहना चाहती हूं, जरा मेरे करीब आओ तो। खरगोश और तीतर खुश हो गए कि अब फैसला होकर रहेगा और उसके बिल्कुल करीब गए। बस फिर क्या था, करीब आए खरगोश को पंजे में पकड़ी कर मुंह से तीतर को भी उस चालाक बिल्ली ने नोच लिया और दोनों का काम तमाम कर दिया। सीख, अपने शत्रु को पहचानते हुए भी उस पर विश्वास करना बहुत बड़ी बेवफी है। तीतर और खरगोश इसी विश्वास और बेवफी के चलते को अपनी जान गंवानी पड़ी।